हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, विथ 113 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल गेट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो ये बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला है दिल्ली गवर्नमेंट को। क्या है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड? दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल हैज डेवलप्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बायोडाइवर्सिटी पार्क टू प्रमोट द इकोसिस्टम एंड टीच द स्टूडेंट्स अबाउट एग्रीकल्चर, फार्मिंग, नेचर एंड ग्रीनरी। दिस विंटर पीपल कैन विजिट सर्वोदय कन्या विद्यालय इन डिफेंस कॉलोनी एंड टेक अ स्ट्रॉल, मतलब टेक अ लुक, घूम सकते हो अक्रॉस द पार्क प्लांटेड विथ नेटिव इंडियन फ्लावर्स, वेराइटीज ऑफ रोजेस, ये अम्रपाली मैंगो ट्रीज, टाइप्स ऑफ कर्वी लीव्स, लेमन ट्रीज एज वेल एज प्लांट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द तेलंगाना एंड साउथ अफ्रीका। ऑफिशियल सेड दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बायोडाइवर्सिटी पार्क इन दिल्ली स्कूल, an initiative by the DOE and the tourism department in executing the project. The park will have 113 different species of winter, summer and all season plants, they said. तो इसमें 113 of plant होंगे जो winter, summer और all season plants होंगे। All the plants and completion will take one more day and the park will be ready for inauguration. Dates are yet to be decided, said an official. Spread across 7,000 square meters, the park has been divided into different sections with different themes. Each section has different set of plants, shrubs, flowers. The area was earlier a jungle filled with the wild grass. Situated a few meter away from school's main entrance gate, 200 square meter of its section is landscaped with four rows, each of them planted with different varieties of plants. Daily vegetables like tomato, potato, brinjal, chilies, cabbage, cauliflower, capsicum, native and the hybrid leafy vegetables. Another with native Indian flowers like genda, jasmine, chameli, hibiscus and two layer of succulent plants, snake plants, clerodrum, splendens, aloe vera, etc. This section is landscaped with a border of red stone layered with all type of roses. Directorate of Education, DOE, Director Himanshu Gupta said, this is one of its kind initiative by DOE, Directorate of Education, through which we aim to teach students about plant, nature, greenery and kitchen or terrace farming. The park will be an excursion point where other students will visit and learn about plants and nature. तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट का ये। चलिए अब देख लेते हैं एक बार इसमें हमें याद क्या क्या रखना है। देखिए सबसे पहले ये जो है आपका क्या है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, वन ऑफ इट्स काइंड कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है, किसका है, दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट प्लस DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और कहाँ पर यह है, सर्वोदया कन्या विद्यालय, ठीक है। इसमें क्या होंगे, अब देखिए सेकंड पॉइंट, इसमें 113 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स होंगे। इसका एम क्या है, एम क्या है, स्टूडेंट्स को सिखाना, टू टीच स्टूडेंट्स क्या क्या चीज। सबसे पहला स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिखाएंगे अबाउट ग्रीनरी, नेचर, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, बहुत जरूरी है। सेकंड, टेरेस फार्मिंग कैसा होता है, ठीक है, किचन गार्डन, किचन गार्डन, और अब देखिए और टेरेस फार्मिंग यहाँ पे ये सिखाया जाएगा। यहाँ पे प्लांट्स के बारे में, नेचर्स के बारे में बताया जाएगा,
और आप देखिए 7,000 स्क्वायर मीटर्स में ये पार्क है। डिफरेंट सेक्शंस है, डिफरेंट थीम है इसमें। यहाँ पे पहले एरिया जो था जंगल था, वाइल्ड ग्रास था, उसको अब ठीक से बनाया गया है। और सर्वोदय कन्या विद्यालय में, डिफेंस कॉलोनी में ये स्कूल है, यहाँ पर ये हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे आपके इंडियन वेराइटीज, फ्लावर, रोजेस, लेमन ट्रीज, इम्पोर्टेड तेलंगाना साउथ अफ्रीका से प्लांट्स है, कर्वी लीव्स है, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, 100 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। ये नेटिव कुछ प्लांट्स हो गए, आप देखिए ये सारी चीज़ें होंगे। और रेड स्टोन से, सैंड स्टोन से वहाँ पे कवर्ड भी है। बस इसमें इतना ही था कि ये एक वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड है और 113 स्पीसीज है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में है, और ये एक नया अचीवमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट।